सोलन के आदित्य ने न्यूजीलैंड में 12,000 फीट पर हवाई जहाज से छलांग लगाई और सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ज्यादातर युवा ऐसा साहस केवल फौज में ही दिखाते हैं, लेकिन सोलन के आदित्य ने ऐसा कर दिखाया। यही वजह है कि आदित्य स्काई डाइविंग का ये वीडियो वायरल हो चुका है और ये युवा आदित्य के इस रोमांच और साहस से बड़ी छलांग का अनुभव लेने के लिए वीडियो को देखना काफी पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल के जिला सोलन का युवक आदित्य पूरी न्यूजीलैंड में पढ़ने गया था, जहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर वहीं अपने भविष्य की तलाश भी आरंभ की और आज वे विदेश में न केवल अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि वे उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है जो इस जहां से कुछ अलग और हटकर करना चाहते हैं, जिसमें बेहद साहस की आवश्यकता होती है। छोटे दिल वाला तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो आपको बता दें कि आदित्य ने आखिर विदेश में क्या साहस दिखाया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आदित्य के पिता विजयपुरी इस साहसिक कदम में अपने बेटे के साथ हैं और हमेशा उसके प्रेरणादायक रहे हैं, और जो भी आदित्य फैसला लेते हैं वे हमेशा उसके साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि आदित्य का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब वह पानी के अंदर जाकर स्कूबा डाइविंग करने को भी मन मना रहा है। आदित्य के पिता ने बताया कि उनका बेटा अब वहाँ काम करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बना रहा है और काफी युवा अब उसे फॉलो भी करने लगे हैं, जिसके चलते वे बेहद खुश हैं और वे अपने आप को आज गौरव महसूस कर रहे हैं कि आदित्य उनका बेटा है। आदित्य से जब इस बारे में पूछा गया तो मीडिया से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जिस दिन वह ये साहसिक कदम उठाने जा रहे थे तो उस दिन सुबह सुबह उन्होंने काफी प्रेरणादायक वीडियोस देखी और अपना हौसला बढ़ाया। वही उन्होंने कहा कि उनमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता है, लेकिन जब वह जहाज से छलांग लगाने जा रहा था तो डर का कुछ देर के लिए एहसास जरूर हुआ था, लेकिन छलांग लगाने के बाद उन्हें लगा कि वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां डर नाम की कोई चीज नहीं है। आदित्य ने बताया कि डर के दूसरी तरफ सबसे बेहतरीन दुनिया है। आदित्य ने बताया कि जब वह छलांग मारने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले कुछ उन युवाओं से बात कर उनका अनुभव जानने का प्रयास किया जो ये पहले स्काई डाइविंग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसका साहस बढ़ाने की बजाय उसे डराना आरंभ कर दिया, लेकिन उनसे हार नहीं मानी क्योंकि वह खुद से ये कमिटमेंट कर चुका था कि वे उनसे पीछे हटने वाला नहीं है और यही वजह रही कि वे साहसिक खेल कर पाए। वार्ड नंबर 4 में सड़कों की हालत बेहद दयनीय है क्योंकि ज्यादातर सड़कें रखरखाव की कमी में बिल्कुल टूटी पड़ी हैं और सड़कों के आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं। यही नहीं, यहां के लोगों को पार्किंग की भी कोई सुविधा नगर परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासियों का कहना है कि उनकी ये समस्या पिछले काफी वर्षों से जस की तस बनी हुई है, लेकिन नगर परिषद द्वारा उनकी कोई भी सुध नहीं ली गई है, इसलिए अब वे चाहते हैं कि जो भी वार्ड का पार्षद बिजी रहे वे उन्हें समस्याओं से निजात दिलाए। लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सड़कों की हालत चंबा घाट में बेहद खस्ता है, जिस पर चलना बेहद मुश्किल हो चुका है। सड़कों के दोनों ओर बनी नालियां जाम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हल्की बारिश होने के बाद पानी सड़कों पर आ जाता है और लोगों को बेहद असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस बार्ड में पार्किंग की समस्या बेहद ज्यादा है, जिसके चलते लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। यही वजह है कि यहाँ लंबा जाम भी हमेशा लगा रहता है। उन्होंने कहा कि इस बार्ड में पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी करनी पड़ती हैं और शरारती तत्व हमेशा गाड़ियों को अक्सर तोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहद हानि भी उठानी पड़ती है। आपको बता दें कि इस बार्ड में भाजपा और कांग्रेस समर्थित महिलाएं स्वाति और किरण में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों जीत के लिए इस बार्ड में पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों दलों के नेताओं की साख इस बार्ड में दांव पर लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावों में विजय का सेहरा किसके सिर पर बंधता है।